हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू दी माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है पिंटू योगी और दोस्तों आज के एक और नए व्लॉग में स्वागत। और अभी मैं चल दिया हूँ विकास गुप्ता के पास और ऋतिक मिश्रा के पास। दोनों ही बंदों ने नए फ़ोन लिए हैं। विकास ने आईफोन 12 या 13 मेरे हिसाब से, और ऋतिक मिश्रा ने नथिंग फ़ोन लिया है। अब कौन सा मॉडल ये मुझे पता नहीं है, और मुझे भी एक नया फ़ोन लेना है व्लॉगिंग के लिए। तो लगभग मैंने 8 दिन के अंदर सैकड़ों वीडियोज़ देख लिए कि व्लॉगिंग के लिए कौन सा फ़ोन बेहतर रहेगा, कौन सा लेना चाहिए। तमाम प्रकार के कंपैरिजन, फलाना ढिकाना ढमक्का सब कुछ देख डाला, और फाइनली जो है इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि या तो फिर सैमसंग का S21 या S23 बेहतर रहेगा, या उसके बाद फिर आईफोन कोई भी सीरीज चलेगा, क्योंकि कैमरे ऑलमोस्ट सेम है, 12 का, 13 का, 14 का। और जितना हायर सीरीज जाएंगे अमाउंट उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए हम 12 और 13 में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल आईफोन का कैमरा चेक करना है, देखते हैं विकास गुप्ता हमें अपनी मिठाई की दुकान पर मिलता है या नहीं, और उसके बाद नथिंग फ़ोन का कैमरा चेक करेंगे और ऑलमोस्ट दोनों का कंपेरिजन क्या होता है आपको निकाल कर देंगे, और कौन सा फ़ोन बेहतर रहेगा ब्लॉगिंग के लिए। अभी ये जो ब्लॉग शूट हो रहा है रेडमी 13 मोबाइल से मेन कैमरे से अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में 1080p 30fps में, तो इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। अब यार हमारे यहाँ पानी बरस का जो समस्या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, देख रहे हैं आप लोग कितना कीचड़ मच जाता है गलियों में, सब बात है, लेकिन जा चीज़ पे जो है आपको ध्यान नहीं है। तो दोस्तों अभी विकास गुप्ता के पास आया था, तो विकास का जो आईफोन लेके आया है वो चार्ज पे लगा हुआ है, उसको हम शाम को देखेंगे कैसी क्वालिटी है। अभी चलते हैं ऋतिक मिश्रा के पास, वो भी नथिंग फ़ोन लेकर आया है, तो उसके कैमरा क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। तो अभी कॉल कर रहा हूँ ऋतिक मिश्रा को, पूछता हूँ कहाँ पर है, रिंग जा रही है, फ़ोन उठालो महाराज, कहाँ हो, फ़ोन नहीं उठाओ, दोबारा से रीडायल कराते हैं। चलते चलते बढ़ रहे थे ठेका की तरफ, आया कि ऋतिक भाई तो ठेके ही नहीं मिलेंगे, पहला स्थान उनको वही है, मिल रहा है कि नहीं। मैं कह रहा देख ये अपने मित्र लोग में लगाया भाई, पूरे डिपार्ट के आदमी है, ठकरी बैठा अपन लोग। अब जो है ऋतिक मिश्रा को देखा था कहाँ है, कहाँ ठेका पे, देखो कह रहे हैं पहला स्थान ठेका, अब आगे बाद देखने पड़ा बच्चा ऋतिक को ढूंढा डाँ जो है ठेका पे पहुँच गया, देखो जो है ठेका। अब पूछा था भैया ऋतिक मिश्रा जी कहाँ हूँ गए हैं, कह नंजा का चच्चा, ओ चच्चा रहते कहाँ पर रहते कहाँ हो, पता नहीं ना कितना हो भैया घर है, और देख ले नहीं तो आज अब तो व्यवस्था फेल है। हाँ किधर किधर, अच्छा अंदर सुरो, देखा था क्या कर रहा, मिल पात के नहीं मिल पात। तुम्हारा यार फोन से चल जा रहा है यार, हम पूरे गांव में चक्कर काट रहे हैं, तुम्हें तो पूरी ढूंढा ढाने कर रहे हैं, बहुत तलाश है घर से यार, चलो देखें इनको नथिंग फोन कैमरा टेस्ट करें, कहाँ आ रहे कैमरा कैसे काम कर रहा था कैमरा नथिंग फोन को। तो भाई लोग जो है नथिंग फोन 40,000 का लिया रहे भाई ने, इसको मॉडल नंबर कौन सा है, नथिंग 2 है। तो हमारा मेन मोटिव है कैमरा टेस्ट, क्योंकि हमें लेना है एक नया मोबाइल ब्लॉगिंग के लिए अच्छे कैमरे वाला, तो इसका कैमरा टेस्ट करके देखते हैं कैसा वीडियो आता है। तो दोस्तों अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ऋतिक के नथिंग 2 मोबाइल से हो रही है, और ये अल्ट्रा वाइड मोड लगा हुआ है 1080p 60fps में। तो आप लोग बताइए किस तरह का वीडियो आ रहा है, और ये जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बैक कैमरे से हो रही, और हम सेल्फी कैमरे से भी वीडियो रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो दोस्तों अभी आप सभी ने देखा कि लो लाइट में कैसी वीडियो क्वालिटी आ रही थी, और अब जो है मैं दिन के उजाले में आ चुका हूँ, 1080p 60fps में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और किस तरह की नथिंग फोन 2 वीडियो क्वालिटी निकाल कर देता है आप सभी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो क्वालिटी अभी आप देख रहे हैं ये नथिंग फोन 2 के फ्रंट कैमरे से वीडियो क्वालिटी आ रही है, और 1080p 60fps में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और तो किस तरह की वीडियो क्वालिटी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, और कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, नथिंग फोन 2, आईफोन, या फिर सैमसंग गैलेक्सी S21 या S23, इन चार मॉडल में से आप रिकमेंड करिए कौन सा मोबाइल सही रहेगा ब्लॉगिंग के लिए। दोस्तों यदि आप फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो स्टेबलाइजेशन मोड इसमें प्रॉपरली दिया गया आपकी। तो दोस्तों ऋतिक मिश्रा के नथिंग फोन 2 को टेस्ट कर लिया है, कैमरा टेस्ट बेहतरीन क्वालिटी निकल कर आ रही है। अब ये हाथ में आओ S23, और ये मोबाइल जो है भैया अंकित भाई का है। अभी ऋतिक मिश्रा का नथिंग फोन 2 टेस्ट किया,
अब सैमसंग गैलेक्सी S23 का कैमरा टेस्ट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे तीनों फ़ोन में से कौन सा लेना चाहिए। अभी दो चॉइस थी, अब तीन चॉइस हो गई हैं। तो दोस्तों ये है सैमसंग का S23 FE 60 FPS फुल HD स्क्रीन और ये वीडियो रिकॉर्डिंग अभी आप देख पा रहे हैं कितनी स्मूथली वर्क कर रही है। मेन चीज़ देखना है स्टेबलाइजेशन मोड, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर भाग करके देखेंगे किस तरह से स्टेबलाइजेशन मोड काम करता है या नहीं करता है इसका, और वीडियो स्टेबलाइज आती है या नहीं। तो देखिए अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पर भाग के देख लिया, वीडियो क्वालिटी तो ओवरऑल बेहतरीन है, मेन है स्टेबलाइजेशन। दोस्तों अब ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं किस तरह से 4K वीडियो का लुत्फ आप उठा सकते हैं S23 FE मोबाइल से सैमसंग से, और 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। स्टेबलाइजेशन मोड बढ़िया काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है वीडियो स्टेबलाइजेशन की। तो जो हमारी चॉइस रहने वाली है, मेरी भी पर्सनल चॉइस रहने वाली है, वो सैमसंग S23 FE। तो भैया अभी दो मोबाइल टेस्ट हो चुके हैं, एक नथिंग फोन 2 और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S23 FE। तो सबसे बेहतर काम किया है वो सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के कैमरे ने किया है, और मेरा भी शुरू से ही उसको ही लेने का मन था, इरादा था। अब लास्ट मोबाइल रह गया आईफोन 12 या 13 जो भी विकास के पास है, उसका कैमरा टेस्ट और करेंगे। तो दोस्तों ये है विकास का आईफोन 12 और अभी ये जो माइक की आवाज़ साउंड सुन रहे हैं आप, माइक की आवाज़ सुन रहे हैं डायरेक्ट फ़ोन से है, HD में 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सेल्फी कैमरे से। एक तरह से चारों तरफ को मोबाइल को घुमा लेते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है, देखिए कलर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है, लाइट जो है कम ज़्यादा हो रही है लेकिन वीडियो जो है सेम आ रहा है। अब मेन कैमरे से देखते हैं कैसा वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो दोस्तों ये है आईफोन 12 का अल्ट्रा वाइड कैमरा, देख सकते हैं आप किस तरह से वीडियो क्वालिटी आती है। जैसा कि मैंने अभी टेस्ट किया था, चारों तरफ मोबाइल को घुमा लेते हैं और वीडियो की क्वालिटी को देखते हैं किस तरह से वीडियो क्वालिटी निकाल कर देता है आईफोन 12। देख पा रहे हो किस तरह से क्वालिटी आई है। और एक टेस्ट और करेंगे जो हमने अभी सभी मोबाइल के कैमरों में किया है, स्टेबलाइजेशन टेस्ट, तो वो मैं कैसे करता हूँ दौड़ लगा करके। तो दोस्तों अब बारी आती है स्टेबलाइजेशन मोड को टेस्ट करने की, एक बार दौड़ लगाएंगे देखेंगे स्टेबलाइजेशन में कैसा कैमरा परफॉर्म करता है। हेलो भैया, आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, कौन सा मोबाइल लेना चाहिए ये कमेंट में आप ज़रूर बताना ब्लॉगिंग के लिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।